पर कज़ा हो न सका वक्त शहादत सजदा
دم بدم ماتی رہی عرش سے آواز ہوا دیر نہ کرنا یا موسیٰ بن جعفر سید مولا سید مولا ابن جعفر ناصری پہ ستم پر روئے ابن جعفر نہ ستم پر نہ اسیری پہ ابن جعفر ناصری پہ ستم پر روئے تو پر روئے نہ زنجیر قدم پر روئے اگر روئے تو بس شاہ امم پر روئے اپنے جد آبی کے بیمار کے غم پر روئے پڑھتے تھے نوحہ یا موسیٰ بن جعفر سید مولا سید مولا محمد 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 محمد
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين محبوب رب المشرقين والمغربين وجد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق وصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء احصيناه في امام مبين. صلوات محمد رکھ دیا ہر چیز کو. اب آپ بالکل طور سے آپ بتائیے گا میں
मिनट पढ़ो, पर जिस बात एक साहब ने कहा था तुम पर से झूठ बोले, पहले कहा तू कल के आप लगा था साहब 25 मिनट पढ़ूंगा और 12 मिनट पे आप उधर गए, तो कह दिया है कि पढ़ो कर ही आप तो बच्चे देखेगा। कुरान क्या कह रहा है, हमने हर चीज का एहसास हर चीज को इमाम मुबीन में रख दिया, और ये कहने वाला वो है जो हर चीज का खालिक है। गौर फरमा रहे, मिसाल के तौर पर सुनिएगा, मैं अगर ये कहूं क्या महफिल में पूरा दिया वो लाया तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए कि मैं पूरे मीरा रोड का जिम्मेदार नहीं हूं। लेकिन अगर ये कहूं कि महफिल में मेरी फैमिली आई है तो ये सही होगा, इसलिए कि उनका जिम्मेदार हूं। अल्लाह क्या कह रहा है, मैंने इमाम मुबीन में हर शय को रखा है, हर शय को रखा है, यानी ये शय बनाने वाला कौन है, वो खुदा। उसने कह रहा है मैंने इमाम मुबीन में रखा, यानी कौसर चाहिए तो इमाम मुबीन के दरवाजे पर, जन्नत चाहिए तो इमाम मुबीन के दरवाजे पर, सलसबीर चाहिए तो इमाम मुबीन के दरवाजे पर, इल्म चाहिए तो इमाम मुबीन के दरवाजे पर, तकवा चाहिए तो इमाम मुबीन के दरवाजे पर, नकावत चाहिए तो इमाम मुबीन के दरवाजे पर, अदबत सस्ता चाहिए, कैफियत सस्ता चाहिए इमाम मुबीन के दरवाजे पर, और फरमा रहे इंसानियत चाहिए इमाम मुबीन के दरवाजे पर, आदमियत चाहिए इमाम मुबीन के दरवाजे पर, मलाइका की अदबत पता लगा ली है इमाम मुबीन के दरवाजे पर, अंबिया की अदबत पता लगा ली है इमाम मुबीन के दरवाजे पर, कायनात में जो कुछ चाहिए इमाम मुबीन के दरवाजे पर, यानी खुदा बताना चाहता है इस एक आयत के जरिए मेरे बंदो अब किस किस नेमतों को ठुकराओगे, इसके बाद यही आयत है ऐ मेरे बंदो किस किस नेमतों को ठुकराओगे, मैंने इमाम मुबीन में सारी चीजों को रख दिया, यानी के किस किस नेमतों को ठुकराओगे, मैंने सारे दरवाजों से हटा के तुम्हें एक दरवाजे पे लाके रख दिया। सलावत करिए मोहम्मद पर, उसी सिलसिले में
चीज है जो मैं बात करी। अब यहां से शुरू कर रहा हूं बात सातवें इमाम की। मैंने कहा जितनी देर गुफ्तगू होगी सातवें इमाम की ही होगी। एक शख्स मौला के पास जाता है, मैं ऐसी पढ़ता हूं, मैंने कहा ना मस्जिदों में आप अपने हिस्से की दाद दे चुका हूं, अब यहां से आप पूरी तौर से आबादा रहिएगा। एक शख्स गया मौला के पास, लेकिन इंशाल्लाह जब आप उठे दे रहा तो आपको लगेगा रूह शाद होगी कि कुछ आज हम मजलिस से लेकर जा रहे हैं। एक शख्स मौला के पास गया था, मौला मैं एक ऐसे शहर में जा रहा हूं जहां कोई मेरा जानने वाला नहीं है। भाई यहां जो बैठे हो ना, मैं यहां से लेकर पूरे सर्कल से मैं चाहता हूं मेरे साथ जुड़े रहेगा। मैं ऐसे शहर में जा रहा हूं अहमद भाई कि जहां पर मैं किसी को जानता नहीं, किसी को नहीं जानता, मगर वहां जाने के बाद कैसे पहचानूं कि कोई आपका चाहने वाला है ताकि आपके मुताबिक कोई गुफ्तगू कर सकूं। ऐसी जगह जा रहा हूं, लेकिन जो चाहने वाला होता है ना उसकी तमन्ना क्या होती है। हम लोग भी जाते हैं, अगर कहीं प्रदेश में किसी ऐसी जगह जाना होता है कि जहां पर कोई, तो जाने के बाद जो अगर पहले से जा चुका होता तो पूछते रहे भाई मस्जिद है होती है ज्यादा, क्यों एक तड़प होती है, हम उसके बगैर जी नहीं सकते, जिंदा ही नहीं रह सकते। वो लोग पता नहीं कैसे होते हैं कि मजलिस बगल में हो जाती है, घर में आराम करते हैं। पता नहीं कैसे वो लोग होते कि मजलिस हो जाए तो जिंदे हो जाए, सोसाइटी में रह जाए और वो मजलिस में रहा पाए। ये वाकई तौफीक है फर्श आला पे आ जाना। और तो उसने सवाल क्या किया, मौला मैं ऐसी जगह जा रहा हूं जहां पे किसी को नहीं जानता, आपके बताए जब अब आप कैसे पहचानूं, इसलिए कि भाई आपके मुताबिक तो मुझे गुफ्तगू करना है, बगैर आपकी बात किए तो मेरा दिल ही नहीं भरेगा। लेकिन मैं अच्छा आपको एक बात और बता दूं, हमारे ये 11वें बाप की जिंदगी जो पहले बाप से लेकर 11वें बाप, 12वें बाप की हयात तो बहुत मुख्तसर सी है, लेकिन क्या है सबसे ज्यादा जो शियों के तकिये का दौर है ना वो यही सातवें बाप, सबसे ज्यादा जो शियों के तकिये का दौर है वो इन्हीं सातवें बाप का है। कितने काट दिए जा रहे हैं हर रशीद के जमाने में, दुनिया का सबसे बड़ा जाबिर उठा ले तो कैसे इमाम ने क्या जवाब दिया, क्या खूबसूरत मेरे नौजवान भाई, अगर आप इसे तवज्जो के तौर पर आज की मजलिस में ले गए तो मजलिस हो जाएगी। बोला क्या कहा तुमने, कहा बोला मैं कैसे पहचानूं कि ये आपका अपना है ताकि मैं उससे अपने दिल की बात कह सकूं, आपके बारे में गुफ्तगू कर सकूं, आपके मुताबिक कोई बात कर सकूं। बोला ने कहा आप उस जगह में जाने के बाद मेरे शिया मेरा शिया में पूछना पर नंबर भी लेता हूं, पूछना कि यहां पर सबसे ज्यादा मुत्तकी कौन है, यहां पर सबसे ज्यादा परहेजगार कौन है, यहां पर सबसे ज्यादा इबादत गुजार कौन है, यहां पर सबसे ज्यादा साजिद कौन है, यहां पर सबसे ज्यादा अमीन कौन है। यानी सबसे बड़ा कैरेक्टर और किरदार में कौन है, तो जिसको सब लोग बताए उसके पास जाकर कुछ मेरे मुताबिक गुफ्तगू करना, अगर मेरी मोहब्बत में सरशार पाना तो मेरे फजाए बयान करना, अगर मेरी मोहब्बत में सरशार कर पाना तो मेरे फजाए बयान कर करना। एक बात को मौला ने तय कर दिया कि हमारी मोहब्बत उसके पास होगी जिसके पास कैरेक्टर होगा, किरदार होगा, नमाज में आगे होगा, इबादतों में आगे होगा। अगर हमारी मोहब्बत में सरशार हो तो हमारे फजाइल बयान करना वरना मत करना। पता चल गया सबके सामने फजाइल बयान नहीं होते, गौर नहीं किया, सबके सामने फजाइल बयान नहीं होते, जो साहबे सर है फजाइल उसके सामने बयान होंगे। अब आइए
सदाब क्या है भाई? वो सदाब है काजिब, काजिब किसे कहते? गुस्से को जब्त करने वाला, गुस्से को पी जाने वाला ही ना। सारे बातें सही, लेकिन मैं आपको बताऊं लोगत में किस किसे कहते, तवज्जो करें बुजुर्गान बैठे भाई, आवाज आ रही है, लोगत में किस किसे कहते? पश्कीजा देखा है आपने? हमारे को अगर पश्कीजा ना से पहचानेंगे तो कौन पहचाने? बड़ा करीब रिश्ता है पश्कीजे से। हाँ, पश्कीजे के वो जो चमड़े की मश्क होती है उसमें पानी भरने के बाद उसका मुंह बांध दिया जाता है। देखा भाई, ये जो बांधने का अमल है ना, इसको किस कहते? ये जो वो मशकीजे का तहारा टाइट करके बांधा जाता है, ये जो बांधने का अमल है इसको किस कहते हैं? ये क्यों बांधा जाता है? ताकि अंदर का पानी बाहर ना आ पाए, मशकीजा छलकने ना पाए। इसे किस कहते हैं? काजी उसे कहते हैं कि जिसके अंदर का गुस्सा बाहर ना आने पाए। अब तक पता चलो काजी उसे कहते हैं जिसके अंदर का गुस्सा बाहर ना आने पाए। अब एक बात और कहूं, एक छोटी सी बेची आप गैस पर रख दीजिए और एक बड़ा सा देख रख दीजिए पानी भर, कौन जल्दी उबलेगा? कौन जल्दी उबलेगा? अरे भाई आप आवाज नहीं है, जल्दी कौन उबलेगा? बेटा जो चाह है वही बैठो, आप आगे ना, जो चाह है वही बैठो, जिसे आगे आना था क्या जो चाह वही करना। भाई कौन उबलेगा? क्या छोटी सी डेक्ची है ये जल्दी उबल जाएगी? दोनों तरफ भैंस की आज सिर्फ थी, दोनों तरफ गैस की आग सेम थी, मगर ये उबल गई जल्दी, वो नहीं उबला का इसका सर कम था, इसका सर कम था लिहाजा उबल गया, उसका सर ज्यादा था लिहाजा जल्दी नहीं उबला। तो पता चला जो कम सर होता है वो जल्दी उबल जाता है। भाई होती रहे। सलावत पढ़िए बहुत बहुत मैं पूरी कोशिश करूंगा बात पहुंचाने की। यकीन जाने दो दिन से मुसलसल रहे बुखार था 102-103 डिग्री, आज भी मैं दोपहर में इंजेक्शन लगवा के आया हूं, मगर हमारे अल्लाह तरीके रहमत करे मौलाना फैजुल हसन साहब को वो कहा करते थे खतीब तो बुखार उम्र में उतरता है। मैं अपनी जैसे पढ़ता हूं वैसे करूंगा, कोशिश करूंगा कि वो बुखार बीच में जो है हावी न होने पाए। अब आवाज ना हो काजी गुस्सा आए नहीं तो साथ कंट्रोल कर ले, इमाम काजी के मानने वाले को कैसा होना चाहिए? गुस्सा आए नहीं तो कंट्रोल कर ले, साफ कर ले, चाले चाले तो ये काम जितना हमारे बाप ने किया था उतना किसी ने नहीं किया। बात तो आगे बढ़ाओ, देखिए वक्त थोड़ा सा लेट भी हो गई मजलिस की, तो 800 हयात तैयबा उठाइए साथ में, इतने मेरी इल्म का जवाब नहीं, फतवे का जवाब नहीं,
کیسا تخوا ہے باقی سے پتھر رکھتے ہیں تخوا سے جب آپ کا تخوا کیا ہے قید خانے میں ہے وہاں لیکن یہ جو واقعات چھوٹے چھوٹے بڑھے جائیں گے یہ آپ کے لیے آپ عمل کریں میں دوسری کچھ بھی چیزیں اپنی ٹاپ کلاس کی مجلس پڑھ کے اس وقت میں چلا جاتا مجھے کوئی روکتا نہیں میں ممبر بیٹھا ہوں کون روکے گا کچھ بھی پڑھ کے چلا جاتا ٹاپ کلاس کی مجلس جہاں جاتا ہوں جو میں پڑھتا ہوں سب سے پہلی بار وہ میں پڑھ کے چلا جاتا لیکن آپ کا اپنا ہوں میں چاہتا ہوں کہ باندھے پہنچے تخوا کیا نہ ہوگا بولا خیر خانے میں مسائل میں ذکر کروں گا لیکن ابھی سن لیجیے خیر خانہ کیسا تھا بتایا خانے میں نہ ایک انسان کھڑا ہو سکتا ہے نہ چھت اتنی نیچی کہ کھڑا نہیں ہو سکتا لمبائی چوڑائی ایسی ہے کہ پیر پھیلا نہیں سکتا اب اتنے چھوٹے کمرے میں امام ہے زیادہ دن آج مجلس کے بعد جلوس بھی ہے آپ تابوت اٹھائیے گا 5 منٹ کے لیے خالی کر کے یوں کھڑے رہیے گا اس کے بعد اپنے باپ کی مضمونی کا معلوم کیجیے گا ایسا بھی بولو ایسا کہتا ہے ہارون رشید چاہتا ہے سنیے گا میں ابھی مجلس بہت آگے جانے والی ہوں وہ یہ چاہتا ہے کہ امام کے قتل کی کوئی وجہ بنے بہت توجہ امام کے قتل کی کوئی وجہ بنے لہذا اس نے ایک وجہ کے لیے ایک خوبصورت ترین عورت کو قید خانے میں بھیج دیا کہ جا کے اپنی طرف امام کو راضی کر دے مگر قرآن نے تو ہر شے کا ایسا امام میں رکھا ہے ہر شے کا ایسا ہر شے کو قرآن میں سمویا ہے لہذا یہ دنیاوی خوبصورتی امام کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے امام سجدے میں سبحوہ القدوس سبحوہ القدوس سبحوہ القدوس رب البلاد دوسرے دن خادم کو بھیجا یا 3 دن کے بعد جاؤ دیکھو کیا ہو رہا ہے اس نے کہا حضور وہ عورت جسے آپ نے بھیجا تھا کہ امام کو بہکائے وہ سجدے میں پڑی ہے اور امام کے ساتھ وہ بھی سبحوہ القدوس کہہ رہی ہے افریقہ کے جنگلوں سے
अच्छा ये आपको बता दूं, हमारे सातवें बाप कभी अफ्रीका नहीं गए, सातवें बाप बजाई बाप कभी अफ्रीका नहीं। सौ हबशियों बुलाया और इमाम के जैसी एक तस्वीर बनाई, पुतला बनवाया इमाम की शक्ल का, और वो सौ के सौ को जो है शराब पिलाता रात के पहर गुजरने के बाद, और जब वो सौ के सौ शराब में धुत हो जाते तो कहता कि इसमें जो तस्वीर है इसमें तलवार चलो, वो अपना तलवार चला दे। एक दिन दो दिन की 40 दिन पर पैदल पैर से यह अमल करवाया, प्रैक्टिस करवाई, बात कुछ 41वें दिन तवज्जो 41वें दिन उसने इमाम को खड़ा कर दिया और 40 हबशियों को शराब पिलाया और नंगी तलवार लेकर कहा तलवार चलो, रवायत है कहती कि 40 के 40 हबशी नंगी तलवार लेकर आगे बढ़े और जैसे ही करीब गए इमाम के कदमों के गिर गए, इमाम ने सबके सर पे हाथ रखा तैयार होकर चली गए, इमाम के कदमों पे गिर गए, इमाम सबके सर पे हाथ रखे। अब हारून रशीद पूछता कि तुम लोग क्या कर रहे हो, शराब का नशा कहां गया, सुनिए कि तुम लोग क्या कर रहे हो, शराब का नशा कहां गया, तलवार चलाने की प्रैक्टिस कहीं कहां गई, तुम में तो ना इंसानियत है, तुम में तो आदमीयत है, तुम तो जंगल के रहने वाले हो, चीर फाड़ देते हो। कहा हाकिम तुझे नहीं पता हम जब किसी मुसीबत में पड़ते हैं इन्हीं के नाम से खाना बंद करो, दो दिन तक उसे खाना बंद देना।
खाना बंद हो गया। फिर पूछा क्या हुआ, भूखा पड़ा हुआ बैठा हूं, का खाना बंद है, खाना नहीं बंद, का कुछ कहा कि मालिक ने जबरदस्ती खाना बंद कर दिया, कहा कुछ बोला ही नहीं, जा बिठा दिया बैठा हुआ, कहा जाके सब दो चार हाथ लगाओ, दो चार हाथ लगाओ समझ गए, दो चार हाथ उसे लगाओ, ये क्या दो चार हाथ लगा दिया, कहा क्या हो सुनी सर, वो बोल ही नहीं रहा, हमने बंद कर दिया घर में, कुछ नहीं बोला, अगर कोई एहतियात नहीं, हमने उसका खाना बंद कर दिया, कुछ नहीं, कोई रिएक्शन ही नहीं है उसका, दो हाथ मार दिया घर में झुका के मार खा रहा, आका ने बुलवाया, कहिए क्या है, कहा जी आप है, कहा हमने तुम्हें बेजुर्म खबर दो दिन कैद कर दिया, तुमने कोई एहतियात नहीं किया, हमने तुम्हारा खाना बंद कर दिया, अब अरे तुमने कोई एहतियात नहीं किया, हमने वो तीन हाथ दूसरे गुलाम से लगवा दिए, तुमने कोई एहतियात नहीं किया, कहा हुजूर आप है आका है वो बंदा, अरे क्या सो रहे हैं, हुजूर आप है आका है वो बंदा, बंदगी कहते ही से है, आका जिस हाल में चाहे बंदा उस हाल में रहे, बंदगी कहते भी उसे है कि आका जिस हाल में चाहे बंदा उस हाल में रहे, अजीजान गिरामी हम है खुदा के बंदे, अब आप सोचे हमें बंदगी आती है, जरा सा तबीयत खराब हो गई, जरा सा परेशान हो गए, रोजी कम हो गई, औलाद ना बर्बाद निकल गई, औलाद नहीं हुई, तबीयत खराब हो गई, घर नहीं मिल पाया, घर खराब हो गया, परेशान हो गए, खुदा से शिकायत करते हम ही मिले थे, हमें ही ये सहमत देती थी, पता चला ये बंदा नहीं है, बंदा होता तो बाबू के कोरों पे बता दी रहता, सातवें बाप जा रहे हैं
म्यूजिक की आवाज आई। इतने में कदीस घूड़ा फेंकने के लिए घर से बाहर निकली। इमाम ने पूछा किसका घर है? का फरक का गुलाम है आजाद? चारों तरफ से मुझे गाने और बजाने की
खुशी मनाने का तरीका है। हलाल मोहब्बत हलाल है कयामत तक के लिए, हलाल मोहब्बत हलाल है कयामत तक के लिए। और फरमाए बिल्कुल आजाद में जाए, इबादत ऐसी आजाद जगह पे नहीं रहना है जहां पर म्यूजिक की गाने बजाने की आवाज आ रही है। वहां पर मुझे कैद खाने में डाल दो, मेरे लिए वो कैद खाना बेहतर है इस आजाद जगह से। के साथ जो हो रहा है चलने दो। अच्छा उसमें मैं आपकी खुद का शुरू सवाल नहीं होने वाला हूं। आप सदारत बोलो
बेहतर पेश है भाई का, बेहतर पेश इनका नाम बहलोल नहीं था, नाम था सफा सफा। ये अपने वक्त के करोड़पति नहीं बल्कि अरबपति बिलियनर बिलियनर थे। बहुत बड़ा जो ये अपने वक्त के करोड़पति नहीं बिलियनर बिलियनर थे। हारून रशीद रिश्तेदार थे भाई, पैसे की कोई कमी नहीं थी, मगर थे साथ में वहां पे चाहने वाले। हारून रशीद को ये पता चल गया, और ये तीन दोस्त थे बहुत अहम गुफ्तगू है भाई, आखिरी मंजिल में निचोड़ देता हूं कि तीन दोस्त थे जो एक दूसरे से जुड़े थे, तीनों अपने एक दिल की बात कह रहे थे, तकलीफ का दौर है किसी से कह नहीं सकते। हारून रशीद को पता चल गया ये तीन दोस्त है, वो ये पहले बैठे थे, उन लोगों ने कहा भाई ऐसा है कि आप क्या किया जाए। तो ये सफा ने कहा कि चलो अपने इमाम से पूछते, इमाम तो कैदखाने में, का कैदखाने में तो क्या हुआ, बस सुन लेना भाई आखिरी बंदिश है, बचाऊंगा हौसले से सुन लीजिएगा, अगर कल मुझे बातें और पहुंचा सकूं, लेकिन कल जगह अबू तालिब के हवाले से मौजूद आज कंप्लीट हो जाएगा। अपने इमाम से बात करते पूछते हैं, और अगर कैसे इन्होंने खत लिखा मौला हारून रशीद को पता चल गया है कि हम आपके चाहने वाले, कभी भी हमारे कत्ल का फरमान जारी हो सकता है, अब क्या करें। गए जिंदा तक पहुंच ही नहीं सकता, दारोगा भाई जिंदा को बुलाया भाई ये खत पहुंचा दो, उसने कहा साहब हमारी जान चली जाएगी। अरे जान की क्या परवाह, कुछ ले लेंगे मामला किसी सूरत तय हुआ, जो तारीख ने लिखा उसने कहा साहब हम ले जाके आपको पैगाम पहुंचा तो देंगे, जवाब देने की जिम्मेदारी नहीं है, सारे मिलकर अगर इस जुमले पर जुड़ जाएंगे तो मैं दो बातें और कह दूंगा, जवाब की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, अकीदा हो तो ऐसा। इन्होंने कहा सुनो हमारे इमाम है, सवाल पहुंचाना हमारा काम है, सवाल देना उनका काम है। भाई भाई ये तो बहुत अच्छा दिखाया, सवाल पूछना हमारा काम, जवाब देना उनका काम। और आज बच्चे जुमला को अब 15 शाबान को हम सब अरीजा लिख के दरिया में डालते हैं, दुनिया हमसे पूछती है आप अरीजा डालते हैं जवाब आता है, उनको पलट के यही जवाब दीजिएगा, सवाल करना हमारा काम है, जवाब देना इबादत का काम है। और आता है खत नहीं आता है, मुरादें पूरी होती है, मुरादें पूरी होती है, उस तरफ नहीं जा रहा था, बस खत पहुंच गया। अब ये लोग यही टहल रहे हैं कैदखाने के इर्द गिर्द कि सवाल किया है तो जवाब जरूर आएगा, एतकाद से इतना है, भरोसा इतना है, आई गॉट दिस, सवाल किया है तो जवाब आएगा। इतने में इनके पास एक पत्थर आकर गिरा, ईंट का ठीकरा, टुकड़ा ईंट का, कबेलू का टुकड़ा जिसको आप कह लीजिए, हमारे यहां तो ठीकरा है, आकर गिरा। तो आपको भी तो इनकी जान बचानी है, लिहाजा इमाम मुस्तकिल जवाब दे नहीं सकते थे, लेकिन इमाम को इतना भी को पता है कि मेरा चाहने वाला कितना जहीर होता है, गौरी नहीं कर रहे भाई, भाई क्या चाहते हैं, शेरी पढ़ना शुरू कर दी, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले, बस फिर मजलिस होगी उसमें शेर महफिल में जमाएंगे जितना पढ़वाइए, इसमें क्या इमाम ने एक पत्थर आकर गिरा जिस पर लिखा हुआ था जीम, अरबी का क्या लिखा था, अरबी का जीम, वहां को बताया नहीं चाहने वाले सही होते, पूरे तट से खड़े होकर भी अगर आप इस्तकबाल
غیر گرہن کی مجلس کا تو شاید ہاتھ ادا کروں. ایک نے دیکھا مولا نے لکھا جیل. مولا کہہ رہے ہیں کہ پہاڑ پہ چلے جاؤ جیل سے مراد جبل.
यह है सातवें अहवाल। किसी अहवाल को म्यूजिक नहीं पसंद, सातवें अहवाल के खास दो वाक्य मैंने पढ़ दिए, वक्त नहीं था कि और एक बार वाक्य पढ़े जाए। शरीयत में राज गाने में कोई तसव्वुर ही नहीं है, कोई तसव्वुर नहीं है शरीयत में राज गाने में। कहां से लेकर दीदारी बना उतारे वाली दीदारी। जब आपने क्या फरमाया, मेरा चाहने वाला मुत्तकी होगा, परहेजगार होगा। और फरमाया मैंने महफिल में जुमला वाला कहा था कि क्या मैं बात की हदीस सुनिए, मौलाना हमारे हसन अस्करी अलैहि सलाम फरमाते हैं, हमारे शिया को देखा किसी कोई चार आग वाला आदमी तो कुछ यही नहीं। मौला फरमाते हमारे शिया को चार आग। आपने पूछा मौला ये क्या, हमने तो चार आग वाला कोई देखा ही नहीं, ना तो हमारी बात ही नहीं समझ पाया। हर आदमी थोड़ी हमारी बात समझ सकता है, इसलिए कि कलाम इमाम भी इमामुल कलाम होता है, हर आदमी थोड़ी समझ पाता है। तब होगा चार किसी एक हदीस को समझाइए ले जाइए, बोलो जो चाय की चुस्की पे बैठ के कहते हैं ना, तब तो खुदा हमारी समझ में नहीं आता। मेरा ये बात है ना, हमारे शिया को चार खत्म हो गए, हदीस पर सही तबाह होगी। इसके आगे आप बताइए एक चार आग वाला दिखा के काली रब ने जाकर पूछा, बोला आपकी हदीस है और आपने कहा हां। कहा बोलो चार, हमने तो चार आग वाला नहीं देखा। कहा तो हमारी बात नहीं समझे। कहा बोला फिर आपसे बेहतर कौन समझाएगा, आप समझाइए। कहा हमारे शिया को चार आग होती है, दो चेहरे पर होती है, दो दिल में होती है। हमारे शिया को चार आंख होती है, तो चेहरे पे होती है, जो दिल पे होती है। चेहरे की आंख से वो दुनिया को देखता है और दिल की आंख से दुनिया के अंदर की चीजों को देखता है। चेहरे से वो दिल दुनिया को देखता है और दिल की आंख से वो दुनिया के अंदर की चीजों को देखता है। दीवार से टकरा जाए, पैर फैलाए तो पैर दीवार से टकरा जाए,
इतने छोटे घर में किसी इंसान को ढूंढना मुश्किल है या आसान है? आसान है ना, मुश्किल नहीं है। उसने कहा निकाल दी तुम्हारे बाप उसी तरह खा ले। उसने फिर देखा कहा मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बस एक चिराग दिख रहा है और एक सफेद कपड़ा है जो जमीन पे रखा हुआ है। नहीं पता नहीं कैसे आप सुन रहे हैं, एक चिराग जल रहा है, एक सफेद कपड़ा है जो जमीन पे रखा हुआ है। तो उसने बदल के कहा वो जो सफेद कपड़ा है ना वही तुम्हारे बाप है। जरा सोच ले कैसी बाप की गुर्बत है, बदल की तरह कर गया था मेरे बाप का के कपड़ा जैसे रखा हो वो कैसे खाने में पड़ा हुआ। अल्लाह आवाजों पर रहमत नाजिल करे, मसाइल की मंजिल बहुत आगे है। अंगूर में जहर दिया गया। अच्छा ये बाप के हाथ में हथकड़ियां भी हैं, पैरों में बेड़ियां भी हैं। 14 साल तक ये हथकड़ियां बेड़ियां टूटी नहीं है। लेकिन आप बच्चे हो जाए, आप बच्चे हो जाए, मसाइल पढ़ने की चीज नहीं होते, मसाइल को सबूत करने की चीज होते हैं। मैं एक जुमला कहूंगा अपने बीमार करबला इमाम से हजरत के साथ, मौला आपके हाथों में और पैरों में भी बेड़ियां और हथकड़ियां आएगी, मगर कुछ दिनों के बाद काट दी गई थी, हयात में काट दी गई थी, मगर मेरा यह इमाम कितना गरीब है कि इसकी हयात में इसकी हथकड़ियां नहीं गली, इसकी हयात में इसके पैर की बेड़ियां नहीं गली। अंगूर में मौला को जहर दिया गया। अंगूर ताबूत देगा काला ले लीजिएगा, लेकिन ये 5 से 6 मिनट के मसाइल में सुनते जरूर। अंगूर में मौला को जहर दिया गया, मौला अंगूर के जरिए से शहीद हो गए। हारून रशीद को खबर हुई, उसने कहा कहीं ऐसा ना हो कि हुकूमत पकड़ जाए, लिहाजा ये है इसी हालत में ले जाकर बगदाद के पुल पर रख दो। बगदाद का पुल आप तसव्वुर करें उस वक्त सबसे ज्यादा सवारियों से आने जाने वाला रास्ता था। ये सोचा गया कि रात के अंधेरे में रख दिया जाएगा, बदन तो बिल्कुल लागर हो चुका है, किसी को पता न चलेगा, इधर के घोड़े उधर जाएंगे, उधर के घोड़े इधर जाएंगे, लाश आबाद हो जाएगी, लावारिस समझ के इन्हें दफन कर दिया जाएगा, किसी को खबर ही ना होगी। पता नहीं क्या सुन रहे हैं, किसी को खबर ही ना होगी। अरे रात की तारीकी में मेरे गरीब इमाम का जनाजा बगदाद के पुल के बीचों बीच में रख दिया गया। अब सवारी का आना शुरू हुई, इधर से भी घोड़े उधर से भी घोड़े, सबसे ज्यादा चलने वाला ये रास्ता था, लेकिन रवायत कहती है घोड़े चलाने को देखकर रुक गए, इधर के घोड़े भी रुके रहे, उधर के घोड़े भी रुके रहे, इधर के घोड़े भी रुके रहे, उधर के घोड़े भी रुके रहे, इधर के घोड़े भी रुके रहे, इधर के घोड़े भी। मालिकों ने लाश चाहा, रात का अंधेरा है कि घोड़े आगे बढ़े, लाई लगती गई लेकिन घोड़े आगे नहीं बढ़ते। जब मालिकों ने देखा कि न उसका घोड़ा आगे बढ़ता है, 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 अब ये सब बाहर उतरे कि जरा जाकर देखे आगे है क्या। अब जो आगे गए तो क्या देखा, एक गरीब का लाशा है। अब जो देखा तो हाथ में हथकड़ी भी है, पैर में